फ्रेंड्स, मैं बिंदु, हमारे चैनल बिंदु ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घर परिवार में सब मस्त होंगे। हम एकदम ठीक ठाक हैं। आप सब बताइए आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा गूगल एडसेंस पिन आ गया है, हमारा यूट्यूब फैमिली का गूगल एडसेंस पिन आ गया है यहाँ पे। इसके लिए ना फ्रेंड्स, लेकिन हमें ना बहुत वेट करना पड़ा और ये ना मुझे सिर्फ 8 दिन में मिला हुआ है। बाकी के बहुत लोग बोलते थे मतलब 1 महीने लग जाएंगे, 2 महीने, 3 महीने भी लग जाएंगे। मैं बोली चलो जी, जैसा मेरा साथ होगा वैसे हम देखेंगे, देखते कितना टाइम लगता है। लेकिन मेरे भाई का बेटा बोला था वो पेंसिल मत लीजिए, जल्दी से आ जाए, 1 हफ्ते में ही आ जाएगा। मैं बोली जैसा मेरे साथ होता है तो देखेंगे। ओ, मैंगो आइसक्रीम खा रहे हैं, बोले इधर भी दिखा दो, इस चम्मच से मैं खा रहा हूँ, आप बैठो वहीं पे, मैं करूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग सोच सकते हैं मतलब पिछले साल मई में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, अभी 1 साल बाद हमको ये मिला। $10 जब पूरे होते हैं ना तब इसके लिए अप्लाई करते हैं, और ये तो हमें मिल गया होता है 1-1.5 महीने पहले मिल गया होता है, लेकिन ऐसी कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके लिए मैं अप्लाई नहीं कर पा रही थी इसके लिए। तो जाके जब अप्लाई किए ना तब हमको ये मिला, लेकिन बहुत वेट करने के बाद मिला। बस इसी बात का दुख है, 1 साल मतलब आप लोग सोच ही सकते हैं कि $10 जब पूरा होता है तब मिलता है, लेकिन मेरा चैनल 1 साल मोनेटाइज होने के बाद मुझे मिला है। तो हमें आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। बहुत खुशी हुई जब ये आया ना, हमें तो मतलब विश्वास ही नहीं हुआ जब वो पोस्टमैन भैया लेके आए ना, तो हमें विश्वास नहीं हुआ। शाम का टाइम था, कल शाम को आया, तो यहाँ तो 7 बजे आया, कल शाम को 7 बजे आया था भैया लेके आया। मैं सोची कन्हैया का कोई, क्योंकि उन्होंने चेक अप्लाई किया था तो हमें लगा उनका चेक आया होगा। तो मैं देखी जब ना कि ये तो कुछ और ही लग रहा है, पहले मैं इधर से देखी तो मुझे नहीं लगा कुछ समझ, पर जब इधर मैं देखी ना मैं खुशी होगी एकदम, मतलब मैं खुशी से उछल पड़ी। भैया बोले क्या आप इतनी खुश क्यों हो रहे हैं? मैं बोली भैया कोई बात नहीं है, खुशी होने की बात ही है। बात भैया को भी ना, वो मेरी खुशी देख ना भैया भी खुश हो गए, बोले कि मेरे समझ में नहीं आ रहा लेकिन आप इतना समझ में आ रहा है, आपके लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ भाई, बहुत खुशी की बात है, खुश तो हम हैं, लेकिन 1 साल के बाद ये खुशी का मौका हमें मिला है। तो चलिए आगे भी आप लोग मेरा सपोर्ट ऐसे ही करें और इसे थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ना अगर ऐसे ही रहेगा कि मतलब इतना वेट करने के बाद 1 साल बाद ये इसका ये आया, $10 मेरा पूरा हुआ, तो अभी सोचो मेरे में कितना टाइम लगेगा। बस इसी बात का थोड़ा सा टेंशन है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखा करें और मेरा मतलब सपोर्ट करें। ये देखिए वो ही बोल रहे कि आइसक्रीम खा रहे थे, इधर आओ, इधर थैंक यू आप सबके लिए, ये थैंक यू बोलने आ रहे हैं आप सबसे। क्या इनको मेडल चाहिए? तो चलिए, और बाबू का देखते हैं, बाबू अपना खिलौने से भी मांग रहा है, इनका देखते हैं। इनको नए मेडल चाहिए, ये ना डीमार्ट से लेके आए हुए थे, उसको बोल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ना यही पेंड करेंगे, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बस यही कहना है आप लोगों से। आगे आप लोग समझ ही सकते हैं हम कितना मतलब किस तरह से वेट कर रहे थे इसका, 1 साल के बाद ये मिला, तो आप लोग समझ सकते हैं हमने कितना वेट किया, कितना मतलब मैं परेशान रही होंगी। चलिए हम ये पेंट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नए साथ।